नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नवाशहर के गांव मलपुर अड़का में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की अलग अलग परिस्थितियों में हुई मौत, एक लड़की स्कूल में होने के कारण बची। जालंधर के फोकल पॉइंट के नजदीक नहर में तैरता हुआ मिला एक व्यक्ति का शव, नहीं हो पाई पहचान। थाना फिलौर की पुलिस ने हाईटेक नाके के दौरान एक कार में से 19,50,455 रुपयों की नकदी की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। नवाशहर के निकटवर्ती गांव मलपुर अड़का में गत दिवस उस समय मातम छा गया जब एक ही परिवार की तीन सदस्यों की अलग अलग परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि उस परिवार की 11-12 वर्षीय लड़की स्कूल गई हुई थी। तो वहीं थाना सदर नवाशहर की पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव मलपुर अड़का निवासी अवतार सिंह अपनी पत्नी सोनिया और 15 वर्षीय बड़ी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रहा था। गत दिवस सुबह अवतार सिंह, उसकी पत्नी सोनिया और बड़ी बेटी घर में खाना खा रहे थे, जब उन्होंने गलती से कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। छोटी 11-12 वर्षीय लड़की उस समय स्कूल गई हुई थी। तो वहीं हालत बिगड़ते देख कुछ लोगों ने सोनिया और बड़ी बेटी को नवाशहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। अस्पताल के मुख्य डॉक्टर ने जानकारी दी कि सोनिया और उसकी बेटी को सुबह करीब 8:30 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा था कि दोनों ने सल्फास की दवा निकल ली थी, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं लड़की की मौत गत सुबह 10 बजे और सोनिया की मौत दोपहर 12 बजे हुई। इसी बीच सोनिया के पति अवतार सिंह की भी हालत बिगड़ गई और उन्हें नवाशहर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान करीब 1:30 बजे उनकी भी मौत हो गई। अब घर में केवल स्कूल जाने वाली 11-12 वर्षीय की लड़की ही बची है। अब उसका पालन पोषण कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, ये भगवान के ही सहारे है। वहीं थाना सदर नवाशहर की SI महेंद्र पाल ने बताया कि सोनिया और उसकी बेटी के शवों को पंडोरा मोहल्ला के शमशान घाट में रखवा दिया गया है, जबकि अवतार सिंह के शव को सिविल अस्पताल में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अवतार सिंह के रिश्तेदार विदेश गए हुए हैं और उनके विदेश से आने के बाद ही तीनों शवों को पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये जड़िया मालपुर अड़कन तीन मौत हुई, अवतार सिंह, सोनिया राणी ते मनप्रीत कौर। हाँ जी, इन्हों की मौत हुई है, तीन जने की मौत हो गई, पर इन्हों अजे कोई कारण का पता नहीं लग सकिया। तफ्तीश चल रही है, इसके बारे जांच की जा रही है, जांच की जा रही है, तफ्तीश चल रही है। जिहड़ियां लाशां है वो मॉर्चरी च रखी हुई है जी। जालंधर के फोकल पॉइंट के पास नहर में तैरता हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। शव को लेकर एक इलाका निवासियों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है। तो वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इस दौरान मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी प्रदीप ने बताया कि उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे शव देखा, जिसके बाद राहगीरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं उन्होंने कहा कि शव गदईपुर पुल के पास आकर फंस गया। मृतक ने हल्के रंग की टी शर्ट और काले रंग का पैजामा पहना हुआ था, साथ ही मृतक के शरीर के बीच में कमर पर रस्सी बंधी हुई थी। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही आगे कुछ पता चल जाएगा। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखवा कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ? ਲਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੁਕੀ? ਇਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। थाना फिलौर की पुलिस ने हाईटेक नाके पर एक कार सवार व्यक्ति को लाखों रुपयों सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना फिलौर के SHO सुखदेव सिंह ने बताया कि गत रात्रि लगभग 11 बजे पुलिस ने हाईटेक नाके पर एक सफ़ेद रंग की वैगन और कार की चेकिंग की। इस दौरान कार में से एक किट बैग बरामद हुआ। जब उसे खोलकर देखा गया तो उसमें से 19,50,455 रुपये
बरामद हुई। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान कार में सवार अमित कुमार, अनिल कुमार और दीपक कोहली तीनों फिरोजपुर कैंट के निवासी हैं। जब इनसे इतनी बड़ी राशि रखने के बारे में पूछताछ की गई तो कोई भी कागजात नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस घटना की जानकारी इनकम टैक्स अधिकारी पीपी सिंह को दी गई, जिन्होंने कहा कि पुलिस इस राशि को अपने कब्जे में ले ली और सुबह इनकम टैक्स कार्यालय का कोई अधिकारी भेजा जाएगा जो उक्त राशि को फर्द के मामले में पुलिस से अपने कब्जे में ले लेगा। कल बीती रात करीब 11 बजे रात हाईटेक नाका ब्लॉक हाईवे पर लगा ऐसी जिथे चेकिंग दौरान एक वैगनर गड्डी नंबर PV05AR0472 व्हीकल आई जी जिसमें चेक करते उस विचों जेड़ा एक किट बैग बरामद होया जी, जिस विच 19 लाख हाँ जी 50,455 रुपए हाँ जी रिकवरी हुई है। ठीक है, जो ये कैश जेड़ा जिसमें लेके जा रहे सी अमित कुमार, अनिल कुमार और दीपक कोहली। ठीक है जी, ये फिरोजपुर कैंट के रहने वाले ने। ठीक है, कोई इस बारे कोई अपना कोई कागज पत्र नहीं पेश कर सके कि ये पैसा जेड़ा किस बैंक तो आया जो किस परपज का है, जिस संबंधी असी जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने रात वे नोट करवाया सी जी, पर उन्होंने अजे तक कोई ऑफिसर नहीं आया। जो इस उत्ते जो कार्रवाई है वो अगे भी इनकम टैक्स विभाग करेगा। असी इन्हों जरा रिकवरी बीमो तैयार करके इतने असी थाने जमा किया है। जीरा के थाना मल्लावाला और मक्खू की पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 व्यक्तियों को और एक महिला तस्कर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP जीरा गुरदीप सिंह ने बताया कि थाना मल्लावाला की पुलिस की ओर से नशे का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को 50 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल सहित काबू किया गया। इसी के तहत एक अन्य व्यक्ति को 100 ग्राम हेरोइन व एक एक्टिवा सहित काबू किया गया। तो वहीं तीसरे मामले में थाना मक्खू की पुलिस ने एक व्यक्ति और एक महिला को 300 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। ਕੁਲਗੜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲਵਿਆ ਅਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮੁਕੰਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਟੈਂਕ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਨ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਪਾਰ ਸੀਮਾ ਪਰ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लगा दी जाएगी, जिससे पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से नशे और हथियारों की हो रही स्मगलिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। राज्यपाल ने नशों के सौदागरों को काबू करने में लोगों को इकट्ठा होकर आगे आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में नशे के खात्मे के लिए महिलाएँ क्रांतिकारी भूमिका निभाएं। वहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नशे और हथियारों के सौदागरों को पनाह दे रहा है, जिसकी चालों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं राज्यपाल ने विदेशी धरती पर बैठे पंजाबी भाईचारक एकता और देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने की रची जा रही साजिशों के प्रति भी लोगों को सचेत रहने के लिए कहा। इस मौके पर फिरोजपुर शहरी विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का फिरोजपुर पहुँचने पर स्वागत व आभार भी व्यक्त किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा एक बार, पुलिस तो डिस्टर्ब हो गई थी। एक गांव के अंदर में करीब करीब 1,000-1,000 महिलाओं ने मोर्चा निकाला कि हमारे गांव में यदि कोई भी आएगा ड्रग्स वाला तो उसको हम देख लेंगे, नहीं पड़ लेंगे। इस दिशा में अब जागृत रहें
काम करें, महिलाएं लीड लें, क्योंकि अगली जनरेशन संस्कार में, आज आपको संस्कार कितने दिए, आपके पिताजी से आए, दादाजी से आए, आप अपने ग्रैंडफादर की गोद में खेले हैं, संस्कार वहाँ से मिलना शुरू होता है ना। और आज ये संस्कार खत्म कर देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को उनका लंगड़ा लुंगड़ा ये और एडिक्ट होकर छोड़ के जाएंगे क्या होगा फिर पंजाब की संस्कृति का? उस दिशा में काम कर लिया। अभी कुछ समस्याओं की बातचीत हुई है, लक्ष्य टाइम में बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू है, नवेत्री पहल क्या है, उसकी तारीफ हुई, मुझे अच्छा लग रहा है। वाला बॉर्डर कल्चर इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए ओपन होना चाहिए। जालंधर के थाना भार्गव कैंप के अंतर्गत आते केपी नगर जल्लूवाला आबादी में चोर एक घर से एलईडी मोबाइल व मंगलसूत्र चुरा कर ले गया, तो वहीं पारिवारिक सदस्यों को चोरी का पता उस समय चला जब वे छत पर से नीचे आई व सामान गायब पाया। वहीं मकान मालिक सूरज ने बताया कि गत रात्रि वे छत पर सोए हुए थे, रात लगभग 3 बजे के करीब नीचे आए तो देखा कि घर का सारा सामान गायब है। वहीं उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की जाँच की तो देखा कि एक व्यक्ति घर की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ व सामान चुरा कर ले गया। उन्होंने कहा कि इस बारे में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नियर अबाउट सर 2:30 या 3 बजे का टाइम होना सर, ये सर आप कोठे से जो थले आए आप पानी पूनी पीने वास्ते, देखा घर का थोड़ा सामान खिल रहा है, तो मैं भी थले आया तो मैं देखा कि ना घर एलईडी लगी थी ना ना सामान खिल रहा है ना गोल्ड का मंगलसूत्र जी बेच। शिकायत करती पुलिस ने? शिकायत सर 112 से कॉल कर दी हुई है, तो सीसीटीवी फुटेज भी हैगी साडे कोल। भैया आपका? मेरा नाम बिल्ला। कहाँ से हो? जल्लूवाला आबादी। क्या मामला क्या हुआ है सर? रात को हम सोए थे तो बाकी सभी फैमिली छत पे सोए हुए थे, तो एक पता है कोई बंदा बाहर से आया गेट टप कर, तो हमारा फोन यहाँ पर हुआ था मंजे पे सोए हुए थे हम, तो फोन ले गया एयरपोर्ट ले गए और घर में फ्रिज में फोन रखा हुआ था वो लेकर गए, और साथ में एक और घर है उनके घर में से क्या लेकर गए? उन भाई के घर में से LCD ले गए और सोने का मंगलसूत्र वो ले गए। नगर निगम प्रशासन की ओर से KMV कॉलेज की छात्राओं के सहयोग से नेशनल सर्विस स्कीम के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ का नारा देते हुए जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि KMV कॉलेज से शुरू होकर आसपास के इलाकों में निकाली गई। इस दौरान छात्राओं ने जहां कॉलेज के आसपास सफाई की, वहीं लोगों को सफाई के साथ पॉलीथीन प्रयोग न करने के लिए प्रेरित भी किया। तो वहीं इस मुहिम के दौरान निगम सफाई कर्मचारियों ने भी सहयोग किया। इस दौरान प्रिंसिपल आतिमा शर्मा, निगम कर्मचारी सुमन व अन्य उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। असी कन्या महाविद्यालय तो सारे बच्चे इतने एकत्रित हुए हैं, म्यूनसिपल कारपोरेशन जालंधर नाल मिलके मुहिम कर रहे हैं। असी साढ़े प्रिंसिपल मैडम भी साढ़े नाल सीगे, सो यह बच्चे सारे NSS और फैशन डिजाइनिंग विभाग के हैं। यह बच्चे देश उपराला करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि किवें प्लास्टिक साडे देश नूं, साडे समाज नूं, साडे जलंधर सोहणे शहर नूं खराब कर रहा है। सो यह बच्चे अपने हाथ नाल प्लास्टिक उठा के सड़कां नूं साफ करके यह दर्शाना चाह रहे हैं कि हर जना अगर मिले और जुड़े तो असी अपने शहर नूं और देश नूं साफ और स्वच्छ बना सकते हैं। मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर हैगी हाँ, मैं PG डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग भी हैड हैगी हाँ, और असी स्वच्छता के भी थीम्स हैगे हाँ। सो कॉलेज के सारे स्वच्छता के मुहिम भी देखते हैं। तुम देखा होना है कि कन्या महाविद्यालय ने CPO के सामने एडा वड्डा 11 फुट का सस्टेनेबिलिटी का स्टैचू भी तैयार किया है, वो बिल्कुल बच्चों ने प्लास्टिक तो ही बनाया है। तो यह दिखाने की कोशिश की है, यह पहल लिखी है कि प्लास्टिक नूं किसी सुचज्जे और सोहने तरीके नाल असी एस्थेटिक नूं सोहना रूप भी दे सकते हाँ। APJ स्कूल टांडा रोड जालंधर में सेशन 2024-25 की इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी का आयोजन APJ एजुकेशन की सह संस्थापक और
चांसलर सुषमा पॉल बर्टिया के आशीर्वाद से बड़े ही जोश एवं उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल संगीता निस्तंद्रा, कोऑर्डिनेटर दीप्ति कौशल, समूह स्टाफ, अभिभावक व विद्यार्थी कौंसिल की सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद मार्च पास्ट भी किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस दौरान बैच सेरेमनी और सेस देकर सबसे पहले स्कूल की हेड गर्ल जानवी शर्मा, स्कूल के हेड बॉय अर्णव चोपड़ा और स्पोर्ट्स कैप्टन रविय शर्मा को सम्मानित किया गया, जिसके बाद अलग अलग सदनों के कैप्टन, वाइस कैप्टन और प्रीफेक्ट्स को भी बैच देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल काउंसिल के विद्यार्थियों ने शपथ ग्रहण कर अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाने का वचन लिया। तो वहीं स्कूल प्रिंसिपल संगीता निस्तंद्रा ने सभी विद्यार्थियों को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कोऑर्डिनेटर दीप्ति कौशल ने सभी मेहमानों का आभार भी व्यक्त किया और सभी को इस विशेष दिन की शुभकामनाएं भी दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। Parents, my dear colleagues and leaders of tomorrow. Today, we have inducted the school cabinet for the session 24-25 in APJ School, Tanda Road. I congratulate on behalf of the management all the teachers, students and parents for their hard work, resilience, perseverance and their aim to inculcate a brighter future for all the future generations. I extend my heartfelt gratitude to our esteemed Principal Ma'am, Ms. Sangeeta Nisandra, for her unwavering guidance and support. Thank you so much, ma'am. I also wish to thank the parents of the student council members for their encouragement and involvement. Without you, it was not possible. Congratulations to the parents and the newly selected student council members. माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिरी नजदीक लंबापिंड चौक जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान गुरप्रीत कौर से पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाएंगी। तो वहीं हवन यज्ञ में आए हुए भक्तजनों से अपनी बात कहते हुए माँ बंगलामुखी धाम के सेवादार नवजीत भारद्वाज ने कहा कि सुबह उठते ही जो बोएगा फल भी उसे वही मिलेगा, सोकर उठते ही चिंताओं और क्रोध की लकीरें तुम्हारे माथे पर नहीं आनी चाहिए। उठते ही प्रभु परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को स्पर्श करने का प्रयास करो, फिर देखो आपका दिन कितने आनंद के साथ व्यतीत होगा। इस दौरान 28 जुलाई को होने वाले सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम में 56 भोग के बारे में नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित भक्तजनों को सस्नेह निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, प्रीति, मंजू, प्रिया, रजनी, पार्थ, सोनिया, नरेश, अमरजीत सिंह, राकेश प्रभाकर, विवेक अग्रवाल, समीर कपूर, अमरिंदर कुमार शर्मा, बाबा हलचल, सुनील जकी, नवीन कुमार, निर्मल, दीपक, प्रिंस कुमार, बलदीप सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। और ध्यान यही करो कि जगदम्बा तेरी बड़ी रहमत है, अजगर देव चढ़े हैं और बड़ी कृपा बड़ा हो गए और आप जी का मेहर करें आशीर्वाद मिले। क्योंकि मैं इस पर आगे भी कहना चाहता था, जगत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान रसरी आगत जाते सिर पर पड़ता निशान। कई लोग इतने जिन्होंने कभी मंत्र नहीं बोले, नहीं पढ़े, नहीं पता है, पर वह जिन मंत्रों उच्चारण कर रहे हैं, कारण 100-200 बार हवन यज्ञ अटेंड हो गया, सारे मंत्र कंठस्थ हो गए। जरूरी पढ़ के नहीं होगा, पढ़ के भी हो जाता कई बार। सो सारे उदार करके मन को निकले हुए विचार कि 28 तारीख दिन ऐतवार सवेरे सारे ने पहला हवन यज्ञ 9 to 11 उस सम्मिलित होना और जिन्होंने भी 56 भोग लैके आने हैं वो 10:30 तक मंदिर परिसर च पहुंचो ताकि संयोजित ढंग के नाल महामाई के अगे, क्योंकि सब तो ज्यादा पहला खाने तो भी प्रेजेंटेशन जी चीज देखने अच्छी लगती है, खाने बहुत वधिया लगती है। जे असीं अपनी मां नूं भोग लाने हैं तो
सुनियोजित ढंग के नाल लगाए हैं ता जो साड़ी मां प्रसन्न होवे। और जो हर साल असी सावन महीने जुलाई के लास्ट महीने में छप्पन भोग लगाने हैं मां स्वीकार करने और साढ़े जोड़े मन के भाव है वो मां जानती है और अपनी कृपा दृष्टि करे जिन्होंने हजे तक कुछ नहीं दिखाया जो उन्होंने मन का भाव हो वस्तु लैके आ सकते हैं वो नमकीन हो सकती है मिठी हो सकती है कड़वी हो सकती है वो पीन वाली हो सकती है वो खाने वाली हो सकती है वो घरों बनाई हो सकती है बहरों बनाई हो सकती है। सो ये साढ़े मन का भाव है कि आप जी ने उस दिन हाजरी अपनी जरूर लवानी है महामाई के दरबार से भजन कीर्तन भी होंगे और रास लीला भी होगी। समय उदम शॉर्ट है पर कार्यक्रम सारे हैं तो माँ जी उन्हों की आगे होगी असी नाल दे नाल कम्यूनीकेट ग्रुप के भी करते हैं आइदर मैसेज के रूप भी करते हैं किसी को मैसेज ना आए वो भी अपने नंबर लिखवा सकता किसी ने ग्रुप शामिल होना होगा वो भी सेवादार साढ़े मिल के वो ग्रुप शामिल हो सकता। सचदेवा परिवार की ओर से रस्मी संकीर्तन का आयोजन इलीसियम ग्रैंड होशियारपुर रोड चारंदर में किया गया। इस अवसर पर निकुंज कमरा और आरुषि गंभीर ने राधा कृष्ण के भजन गाकर भक्तों को गहरे भावनात्मक अनुभव से नवाजा। उनकी गायकी में भक्ति और उल्लास का ऐसा समावेश था कि उन्होंने दर्शकों को अपनी आत्मा की गहराइयों तक छू लिया। तो वहीं उनके भजनों में राधा और कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और समर्पण की भावना इतनी प्रबल थी कि भक्त उनकी गायकी के लय पर नाचने और झूमने लगी। इस मौके पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, गीता मंदिर मॉडल टाउन के अध्यक्ष विजय खुल्डर, अजय लाली विशेष रूप से उपस्थित हुए। वहीं सचदेवा परिवार के सदस्य हरीश सचदेवा, दीपक सचदेवा, गौरव सचदेवा, दीपमाला कुमार, निकुंज सचदेव, प्रीशा सचदेव, रिशिमा सचदेव, राशि सचदेव, निशु सचदेव, जैसवी सचदेव, समीर कुमार और यशिता कुमार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जालंधर से हलचल की थी कैमरामैन रोशनी शर्मा की रिपोर्ट। छिन्नमस्तिका धाम मास्टर तारा सिंह नगर जालंधर में परम पूजनीय माझी की अध्यक्षता में चल रहे सावन झूला उत्सव में परम पूजनीय माझी ने उपस्थित मां भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान शिव आदि अनादि काल और अंत संपूर्ण जगत का आधार हैं। शिव समस्त ऊर्जा का परिचायक है, संपूर्ण ब्रह्मांड की देवता है, उनके सबसे प्रिय
सावन मास में शिवपुराण कथा मोक्षदायिनी है। परम पूजनीय देवा माँ जी ने कहा कि सावन मास में जहाँ कहीं भी शिव कथा होती है उसे ज़रूर सुनना चाहिए, जिससे मन को शांति तथा अपने अंदर के दुखों का निवारण होता है। इस पहले मंदिर के संकीर्तन मंडली ने माँ भगवती का गुणगान कर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं सावन झूला महोत्सव के दौरान आए हुए सभी माँ भक्तों ने लगाए गए सावन झूला झूलाकर माँ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे जो शुभ अवसर वाले अपने बच्चों को प्रदान करते हैं, बच्चों को समझ देते हैं कुछ कर्म के लिए, कुछ सेवा के लिए, कुछ मजबूरी के लिए। जितने भी उत्सव होते हैं इन्हीं कर्मों के लिए अपने बच्चों के उद्धार के रास्ते मालिक ने रखे होते हैं कि बच्चे की राह पर चल कर अपना जीवन संवार सके। इसलिए महारानी के ये मेले ये चाले आत्मा भी रही, क्योंकि अभी सावन का महीना है, उसके पश्चात आगे नवरात्रि आ जाएंगे। महारानी के ये खास जो दिन होते हैं इनमें शर्षा भाव भक्ति के द्वारा पूजन किया हुआ बहुत फल प्रदान करता है। पहले तो हमारे मन को सत्संग शांति सुख प्रदान करता है और दूसरा अपने चरणों में बैठने का ये मालिक एक समय देगा जो हमें समय नहीं मिलता। कहते हैं कि हम घड़ी में बैठने का समय नहीं, मगर महारानी के चरणों में ये दो घंटे का पूर्ण समय होता है जो हमें सत्संग के द्वारा लाभ उठाना है। तो आइए महारानी के चरणों में बच्चे कहते हैं ये मामा मैया जी हमारे हमें जान से प्यारे हैं। मैया जी हमारे हैं हमें जान से प्यारे हैं। मैया जी हमारे हैं हमें जान से प्यारे हैं। मैया जी हमारे हैं हमें जान से प्यारे हैं। कहते रहो फिर से कहो बड़ा अच्छा मैया जी को अपना कहना बड़ा अच्छा लगता है। मैया जी हमारे शक्ति माँ बंगला मुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन ग्रोवर कॉलोनी जालंधर में माँ बंगला मुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम सुबह माँ बंगला मुखी जी के हवन यज्ञ का
आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के संचालक हैप्पी बाबा ने आयुष मनु से विधिवत मंत्रोच्चारण कर हवन यज्ञ में हुतियां डाल यज्ञ को संपन्न करवाया। इस अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष प्रवीण कतियाल ने बताया कि माँ चिंतपूर्णी जी के सावन मेलों के उपलक्ष्य में शिव शक्ति माँ बंगलामुखी मंदिर जालंधर की ओर से 14वां वार्षिक लंगर चौहाल डैम नजदीक कल्पना वैली होटल में 5 अगस्त से 13 अगस्त तक लगाया जा रहा है। इस मौके पर हैप्पी बाबा आचार्य श्री विजय शास्त्री, विकी विज, बब्बा अंग्रवाल, शौर्य विज, कृष, अमित गुजराल, अजय नारंग, एम्पल ठाकुर, गीतिका कत्याल, पूजा, सिमरन भल्ला सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के अश्विनी यादव ने कहा कि ये हवन यज्ञ श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी की प्रेरणा से हर सप्ताह करवाया जाता है। तो वही भक्तों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर विश्व की मंगल कामना की गई। सबसे पर श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर, गुरु माता नीरज रतन सिकंदर, देवेशराम सिकंदर, पंडित चक्रदेव जोशी, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, अनूप शर्मा, मनोज जोशी, अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की महिला विंग की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, मीना जैन, राधा अरोड़ा, ममता नीलम रानी, नविता, नीना जरत सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्त। पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी की माता कौशल्या देवी, जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया था, उनके अंतिम संस्कार जालंधर स्थित किशनपुरा शमशान घाट में पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ किया गया। इस दौरान स्वर्गीय कौशल्या देवी को मुखाग्नि उनके पुत्र राजेंद्र बेरी ने भारी मन से दी। इस अवसर पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक केडी भंडारी, शाहकोट के विधायक लाडी शेरोवालिया, पूर्व उप महापौर बीबी सुरेंद्र कौर, अमरजीत सिंह अमरीश, श्रीदेवी तल्ला मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर पहल, अजय लाली, पंडित सोमनाथ सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कौशल्या देवी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नवाशहर के गांव मलपुर अड़का में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की अलग अलग परिस्थितियों में हुई मौत, एक लड़की स्कूल में होने के कारण बची। जालंधर के फोकल पॉइंट के नजदीक नहर में तैरता हुआ मिला एक व्यक्ति का शव, नहीं हो पाई पहचान। थाना फिलौर की पुलिस ने हाईटेक नाके के दौरान एक कार में से 19,50,455 रुपयों की नकदी की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।